जय हिंद दोस्तों, अनिल सराठी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। मारुति सुजुकी की तरफ से टेम्प्रोरी वर्कमैन की एक बार फिर से रिक्रूटमेंट निकल के आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिनके कैंडिडेट को ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका मिला है। दोस्तों मारुति सुजुकी आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर आपको यहाँ से CW, TW या FTE की रिक्रूटमेंट मिलती है तो जरूर ज्वाइन करिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं टेम्प्रोरी वर्कमैन के रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसकी जानकारी इस वीडियो देखने वाला है कौन कौन से कैंडिडेट है जो एलिजिबल है। और चैनल पे कई सारी वैकेंसी, रेलवे की अप्रेंटिसशिप, साथ ही साथ वेस्टर्न रेलवे की अप्रेंटिसशिप कल से फॉर्म भरना शुरू होगा, उसकी भी जानकारी चैनल पे मौजूद है, बस विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी TW रिक्रूटमेंट के बारे में। आपको बता दें फॉर्म अनिल सर आईटी वेबसाइट पे जब करियर ऑप्शन पे जाइएगा तो वहां पर लिंक अवेलेबल है, वहां से जाकर के यहाँ पे चेकआउट करिएगा तो आपको देखने को मिल जाए टेम्प्रोरी वर्कमैन रिक्रूटमेंट। बहुत ही अच्छी ऐसी सैलरी मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दें कौन ऐसे राज्य है जहाँ के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधे आते हैं यहाँ पे देख पाइएगा, स्टेट पे क्लिक करते हैं, देखिएगा तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड, 6 राज्य कौन कौन से है। तो उड़ीसा एक कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड के कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले अनदर स्टेट को मिला था मौका, अभी इसी महीने में आया था, लगभग 4 से 5 तारीख को मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था। फाइनली आज 25 तारीख है, एक अन्य राज्य कैंडिडेट को मौका मिला है फॉर्म भरने का। अब देखते हैं कौन कौन से एलिजिबल तो हो गया, पता चलता है कि क्या क्या कंडीशंस है। यहाँ पे देखिए ITI में मिनिमम 50% होना चाहिए, मैट्रिक में भी मिनिमम 50% होना चाहिए। ITI, NCVT, SCVT दोनों एलिजिबल हैं। फीटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, MMV, पेंटर, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल, मोटर मैकेनिक व्हीकल, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर और सीट मेटल, ये सभी जो अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट क्या थे, इलेक्ट्रीशियन वाले नहीं भर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे देखिए हमने भर तो काफी सारे ट्रेड है जो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन भी है और भी कई सारे ट्रेड है जो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ देख करके अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन कई बार हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन के बहुत ही कम कैंडिडेट को और नहीं बल्कि बराबर कैंडिडेट को आ रहा है। अगर कोई कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन के हैं जो TW में ज्वाइन हुए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? या कोई ऐसे आपके जान पहचान में हो जिनका इलेक्ट्रीशियन में TW में ज्वाइन हुए हैं, वो उनके जानकारी नीचे जरूर दीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिएगा तो ये सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करें तो 18 से 26 साल की उम्र के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे देखिए 25 साल 10 महीने कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका जो है ऑनलाइन असेसमेंट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप चाहते हैं कि टेक्निकल एप्टीट्यूड और बिहेवियर से जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसका एक कोर्स आए अनिल सर IT ऐप पर, जिसकी आप तैयारी कर पाए, और चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और आप कहेंगे तो हम टेक्निकल एप्टीट्यूड और बिहेवियर का जो मारुति सुजुकी TW, CW, FT में पूछे जाते हैं उसका एक कोर्स बना करके आप सभी को हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? एक बार नीचे कमेंट करके जितना ज्यादा कमेंट आए उसी के आधार पर हम मारुति सुजुकी का हम TW का जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है, जैसा ऐसा क्वेश्चन आता है सेम वही क्वेश्चन लगभग मतलब 90% मिलता जुलता क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा देंगे। नीचे कमेंट करके बस बताना होगा आपको, ठीक है? आगे जो राउंड होगा इंटरव्यू होगा, जिसमें दो राउंड होते हैं, एक HR राउंड और टेक्निकल राउंड, जिसमें एक तरह से स्किल टेस्ट होता है ना, वैसा भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल चेकअप, ज्वाइनिंग, फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 महीने का ड्यूरेशन रहता है इसमें टेम्प्रोरी वर्कमैन का। गुड़गांव या मनेसर में आपको ज्वाइनिंग मिलेगा और 27,890 आपकी CTC बनेगी, और इनहैंड में आपको लगभग 22,000 तक आपको इनहैंड, 22-23,000 आपको इनहैंड मिल जाता है। और भी कई सारे PFSI में भोजन का, कुछ नाश्ते का कुछ कटता है, तो उस सब मिला करके 22-23,000 तक बनता है इनहैंड। स्टेट जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड, ऐसे राज्य हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको, यहाँ पे जो लिंक दिया गया है उससे ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएगा ना तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स सही से फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो डाला हुआ है हाउ टू अप्लाई, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है? और
मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, और भी कई सारी वैकेंसी है उसकी अपडेट आपको देते रहते हैं, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले दिनों में जो अपडेट आएगी उसकी जानकारी आपको मिलते रहे। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप मारुति सुजुकी TW का जो ऑनलाइन असेसमेंट प्रश्न पूछे आते हैं वह उसे कोर्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज ला देंगे, टेस्ट सीरीज से आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट कैसे देनी है, साथ ही साथ आपको एग्जाम में किस तरह प्रश्न पूछेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।